मैं स्वाति जेटली आज अपनी नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट क्रीम माइक्रोनी घर पर ही बना रहे हैं। चलिए अब हम बनाना शुरू करें। सबसे पहले हमने कढ़ाई रखी, उसमें हम 2 ग्लास पानी का डाल रहे हैं। पानी हमारा गल चुका है, थोड़ा सा नमक डालेंगे, ऑलिव ऑयल या रिफाइंड 1 चम्मच, उसके बाद 1.5 कप माइक्रोनी डाली मैंने। मैक्रोनी को डालने के बाद ज़रा सा चला देंगे, उसके बाद कवर कर इसे 5 मिनट हमने रहने देना है। 5 minutes later 5 मिनट हो चुके हैं, माइक्रोनी हमारी 90% पक चुकी है। इसे अब हम निकाल लेंगे और तुरंत ही हम इसे ठंडे पानी से धो देंगे कि इसकी कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए। उसी कढ़ाई में हमने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के डालने हैं, बारीक चॉप किया हुआ है लहसुन से हल्का सौते करेंगे, बारीक चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर की प्योरी हमने पहले से बना रखी थी वो डाली है इसमें, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, ऑर्गेनो 1 चम्मच, नमक अपने स्वाद के अनुसार। माइक्रोनी उबालते वक्त हमने पानी बचा लिया था, वो पानी डाला है सॉस बनाने के लिए। 1 कप हम इसमें रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध डाल रहे हैं। दूध जब अच्छी तरह पक जाए तो इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम डाली है। सॉस को अच्छी तरह खौलने देंगे, सॉस हमारी खौल चुकी है, अब हम इसमें बॉयल की हुई माइक्रोनी डालेंगे। दो क्यूब्स ग्रेट कर चीज़ की डाली हैं, मिक्स कर लेंगे। 1 क्यूब बटर की डालेंगे, सॉल्टेड बटर होना चाहिए। दोबारा 2 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। A few moments later 2 मिनट हो चुके हैं, माइक्रोनी बनकर बिल्कुल रेडी है, इसे अब हम सर्व करेंगे। आपने देखा कितनी जल्दी ये वाइट क्रीम माइक्रोनी बनकर तैयार हुई है। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और ये बच्चों की पसंदीदा माइक्रोनी बन जाएगी और बच्चे बार बार कहेंगे मम्मा यही माइक्रोनी बनाओ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।